जब किसी जानवर या किसी को भी हम बिना किसी वजह से सजा देते हैं तो उन्हें काफ़ी नुकसान होता है, और ऐसा हमारी पृथ्वी के साथ भी हो रहा है। हमने बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट में इतने अंधे हो गए हैं कि हमने अपनी प्यारी पृथ्वी को बहुत बड़ा नुकसान किया है। वैसे अब बारी है पृथ्वी की, उसे अपने आप को ठीक करने की। अब वजह कोई भी हो, लेकिन वक्त सबका आता है, और इसी वजह से COVID-19 के कारण पूरी दुनिया में चल रहा लॉकडाउन में पृथ्वी ने अपने आप को किस तरह से ठीक किया है, ये जानकर आपके होश उड़ने वाले। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। जैसे लॉकडाउन की वजह से ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में सभी फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं। अब बात की जाए ग्लोबल एयर पॉल्यूशन की, तो ये हर साल बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है, और इससे देखा जाए तो हर साल एयर पॉल्यूशन से लगभग 5 मिलियन डेथ पर ईयर हो जाती है। चाइना इंडस्ट्रियल एरिया में जाना माना देश है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चलती हैं जो कि बहुत बड़े पैमाने पर एयर पॉल्यूशन इंक्रीज करती हैं। चाइना में लगभग हर साल 950 करोड़ टन CO2 गैस जनरेट करता है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और स्पेशली बात की जाए तो बीजिंग शहर में। और एटमॉस्फेयर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यह आंकड़ा रैपिडली नीचे गिर रहा है। चाइना की एक संस्था CREO ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बताया गया है कि चाइना में चल रहे COVID-19 के कारण हुआ लॉकडाउन में एयर पॉल्यूशन में 30% तक की गिरावट आई है, जो कि एयर पॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया है। वैसे चाइना ही नहीं, लगभग सभी देशों में एयर पॉल्यूशन में लगभग 23% की गिरावट आई है, जैसे कि UK, इटली, जर्मनी। वैसे बात की जाए अब भारत की, तो चाइना के बाद ये दूसरे स्थान पर है। 1970 से 2018 तक के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो एयर पॉल्यूशन रेशियो 1.94 मैट्रिक टन है। दिल्ली, हमारी राजधानी दिल्ली, एयर पॉल्यूशन के बहुत बड़ा एरिया है, जहाँ का एयर पॉल्यूशन एवरेज रेट 150 से 180 तक रहता है, जो कि सांस लेने के लिए बहुत खतरनाक होता है, लेकिन चल रहे लॉकडाउन की वजह से ये अभी 60 से 70 तक पहुंच गया है। ओजोन लेयर रिफॉर्मेशन, आपको पता है लगभग सबसे ज़्यादा स्किन कैंसर अल्ट्रावायलेट रे से ही होते हैं, जैसे कीराटिनोसाइट स्किन कैंसर। इस कैंसर से हर साल लगभग 13 मिलियन केस इफेक्टिव होते हैं, और ये ह्यूमन कैंसर सबसे ज़्यादा चेहरे पर होता है। मेलेनिमा कैंसर, पूरी दुनिया में हर साल लगभग इससे 3.5 लाख केस इफेक्टिव होते हैं, और हर साल इनमें से 69,000 लोगों की मौत भी हो जाती है। वैसे ऐसे ही खतरनाक रेडिएशन से ओजोन लेयर हमारे शरीर को प्रोटेक्शन देती है, लेकिन आपको पता है कि बढ़ते प्रदूषण में जिसमें कुछ खतरनाक गैसें होती हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैसें ओजोन लेयर को नष्ट कर रही हैं। लेकिन अभी चल रहे लॉकडाउन की वजह से ओजोन लेयर में जो कई जगह छेद हो गए थे वो अपने आप को खुद से रिपेयर करने लगे हैं, जिसमें अभी रिसेंटली नासा ने कुछ इमेज जारी किए थे। वैसे इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। वैसे अभी चल रहे लॉकडाउन से ऑलमोस्ट सभी लोग घर के अंदर ही हैं, इसी दौरान अननेसेसरी चीज़ों का उत्पादन भी बंद हो गया, जैसे कि प्लास्टिक। हर साल लगभग 8 मिलियन टन प्लास्टिक हम समुद्र में डंप कर देते हैं, जिससे लाखों समुद्री जीव मारे जाते हैं। इन लॉकडाउन के महीनों के कारण उस रेट में काफ़ी गिरावट आई है। लगभग हर देश में नदी झीलें पहले से अधिक साफ हो चुकी हैं, क्योंकि चलती हुई इंडस्ट्रियों से निकलती हुई अमोनिया सीधी नदी या नाले में जाती है, जिससे हमारा जल प्रदूषण होता है। वैसे हम सब जानते हैं फायदों के साथ कुछ नुकसान भी होता है। वैसे इकोनॉमी लॉस के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया के एक दिन के लॉकडाउन का लगभग 23,000 करोड़ का नुकसान होता है, और जाहिर सी बात है ये इकोनॉमी प्रॉब्लम एक देश में नहीं बल्कि हर देश में है। लेकिन इन्वायरमेंट की दृष्टि से देखा जाए तो क्या होगा अगर सभी देश हर साल एक महीने के लिए लॉकडाउन अनिवार्य कर दें। वैसे इस फैक्ट के बारे में आपका क्या विचार है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ को बनाता रहूँ।